वेलकम बैक, थैंक यू फॉर काइंड पेशेंस, ग्रेट व्यूअर्स, आपने बड़े जावा साहब को सुना। हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं उस नौनिहाल से, उस यंग इंथुजियास्टिक अली जावा से जो सारा दिन, अभी मेरा ख्याल है मैं उनसे पूछूंगा कि कॉलेज तक अब्बा जी ने पहुंचन देता या आंख खुलते ही चाइनीज़ हवाले कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे अली साहब, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। आप क्या अच्छे हो, मैं वैसे ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच अली, आपने मोहब्बत से बुलाया और हम चले आए। ऐसी है अली साहब, ये बताएं कि अब्बा, दादा, अंदरून शहर, मोची गेट, तंग गलियाँ, छोटी गलियाँ, वॉशरूम का तसव्वुर ही नहीं था। आपकी आंख तो जब खुली तो सोने से नहीं प्लैटिनम का चमचा मुंह में लिया, ये जरा बताइए। सब कुछ, सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल मेन कर चुके हुए थे। जरा थोड़ा सा लाउड बोले। सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल हो चुकी हुई थी। और मैंने पका बनाया, हाँ, हलवा आपके आगे रख दिया, सब कुछ पक चुका हुआ था। हिस्ट्री आपने भी सुनी है, इन्होंने भी सुनी सारी, किस तरह से पंसार स्टोर, इर्दा फार्मा, मेडिसिन की फैक्ट्री करते करते इस तरह से आए। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जिस वक्त, आपने कॉलेज का नाम लिया, मैं स्कूल में था अपने ओ लेवल में, जिस वक्त रेस्टोरेंट आना शुरू कर दिया था। अच्छा, ओ लेवल में आना शुरू कर दिया था, ऑपरेशन देखना शुरू कर दिया था, बकायदा इसको समझना शुरू कर दिया था। यानी आपको पूरा अभी चांस ही नहीं मिला कि आप छत पे चढ़ के लोगों की गुड़िया लूट सके और महले गली से जाके छेना झपटी कर से छेड़छाड़ के सीधा बिजनेस शुरू कर दिया। ब्लड में है, हमारे ब्लड में है, हमें शौक है, पसंद है ना बिजनेस। देखा जिस वक्त मैंने कि ये इतना काम कर रही है, ये इर्दा फार्मा कर रहे हैं, ये पंसार कर रहे हैं, मिलके सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं अली, ये बात दुरुस्त है, मैं इस पे ऐड करूंगा, ये कुदरत की तरफ से आपके खानदान के ऊपर मेहरबानी है। अदरवाइज आप जैसे और बहुत जैसे जो नौजवान बच्चे हैं जिनके घर में दौलत के रेल पेल हो, जिनके वालदैन ने कमाल कमाई की हो, वो फिर अय्याशी उड़ा देते हैं। और अल्लाह की आपके ऊपर खास मेहरबानी। बिल्कुल ऐसे ही, हमने देखा है ना किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, देखा नहीं सुना है, हमने सारी चीज़ें सब देखी हैं और इसको यहाँ से वहाँ और बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना है, हमारा काम है। हमने इसको अली, मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ कि झुकने वाली बेलों को फल लगता है, जो शाखें अकड़ी रहती हैं वो टूट जाती हैं। जी अली, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इंटरेस्ट देखा, मैंने डैड को कहा कि आप कह रहे हैं अपना काम आप करते रहें, रेस्टोरेंट मुझे दे दें। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा सोच लो, अपनी उम्र देखो, अपनी एज देखो, यू आर जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, एज देख, शौक देख, 17 इयर्स ओल्ड, वेट कर लो, एक मास्टर्स कर लेना, बाई से करके जब आ जाना उसके बाद आराम से तब तुम्हें जो चाहिए होगा करवा लेना। मैं कहा नहीं, मास्टर्स भी होगा, बैचलर्स भी होगा, मास्टर्स भी होगा, ये भी होगा साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जितने टाइम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर किया है ना, सिटिंग हम लोग 100 की सिटिंग पे रेस्टोरेंट चला रहे थे जिस वक्त मैंने टेक ओवर किया। अच्छा जी, इस वक्त 170 की सिटिंग है हमारे रेस्टोरेंट पे इस फील्ड में, क्योंकि फील्ड से प्यार था, पसंद थी फील्ड, सोशल फील्ड है, रेस्टोरेंट लाइन है, इसको शौक से किया। शायद वो इर्दा फार्मा करता तो इतने शौक से ना करता, इसको शौक से किया। इसमें बफे सिस्टम शुरू करना, इसमें नई से नई चीज़ देना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक, एमएम आलम रोड पे इसको वहाँ पे लेकर जाना जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। एमएम आलम रोड तो एशिया की बड़ी सबसे बड़ी फूड लैंड है। बिल्कुल ऐसे, और बड़ा कंपटीशन है, हर कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो उसने पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, और फूड हमारा चाइनीज टेस्ट बहुत वेरी गुड, सारे मार्केट में इट्स वेरी, इट्स द बेस्ट, कोई भी आएगा बेहतरीन है। अली किस स्कूल में पढ़े? बीकानेर, ओ लेवल किया बीकानेर गार्डन टाउन से, ए लेवल बीकानेर डिफेंस कैंपस से, उसके बाद बैचलर्स, फिर अब इंशाल्लाह मास्टर्स। अली कोई खेलने वेलने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिला, कोई वो जो अब एक टिपिकल, चूँकि आपके दादा भी अंदरून शहर, आपके वालिद मोहतरम भी अंदरून शहर, चचा सारे, आपने आंख जीवार में खोली? जीवार, बिल्कुल जी ओए। यानी आपके दादा ने उस जगह पे जमीन ली, उस जगह, उस जन्नत बेनजीर में जगह ली जहाँ सिविलियन नहीं जा नहीं सकते। ऐसे ही है, क्रेडिट गोज टू योर ग्रैंडफादर एंड योर ग्रेट फादर अली। आपने इस लीजेंड को आगे बढ़ाया। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब आपने चाइनीज रेस्टोरेंट जो बिल्कुल एक टोटल आपके बिजनेस से अनमैच था, क्या फील किया जब आपने, व्हेन यू जंप्ड इनटू दिस बिजनेस? इस वक्त
टेक ओवर किया है स्टार्टिंग में, सबसे पहले फील्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट था, मेडिसिन इंडस्ट्री बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। कपड़े की दुकान केमिकल छियालवी से उठ के आते कोई चाइनीज रन करना शुरू कर दे, बाकी सारे बिजनेसेस सुबह 9 o'clock टू 6 o'clock, ये शुरू ही रात को होता है। रात 1 बजे हम लोग जाके फील्ड ही चेंज हो गई, डिफरेंट एनवायरनमेंट था, लेकिन क्योंकि वो सोशल पीआर रिलेशनशिप वाला बिजनेस है, मेरी कभी दोस्तियाँ, मेरी कभी इंटरेक्शन, मेरे कभी दोस्त, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त हैं, जिन दोस्तों के पास घूमने फिरने का टाइम था उनसे ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, क्यों यहाँ पर हमें लोग मिलने आते हैं, फ्रेंडशिप अर्न की, रिश्ते नाते बन गए, दोस्तियाँ बन गई, बिल्कुल लोग, और फिर क्वालिटी के लोग मिले, लोग प्यार करते हैं आपके, आपके रेस्टोरेंट पे, आपके फूड से, आपके एनवायरनमेंट से, आपकी चीज़ों की, उस चीज़ की वजह से लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर नहीं अच्छा होगा तो आपसे उस तरह से प्यार नहीं करेंगे। हमें, हमने टारगेट ये बनाया कि लोग हमारे से प्यार करें इस वजह से क्योंकि इनका काम अच्छा है, इनका रेस्टोरेंट, इनका फूड अच्छा है, क्वालिटी एंड सर्विसेज बहुत जरूरी, वेरी नेसेसरी इंडस्ट्री। क्या महसूस करते हैं अगर आप, इफ वी आस्क यू के कंपेयर करें कि 2015 और 2017 में आपकी जो क्लाइंटेल है, जो कस्टमर सर्विसेज हैं, वो इम्प्रूव हुई हैं, और उसमें क्या क्या आपकी मेहनत शामिल है, फूड क्वालिटी शामिल है, या आपका वही एक कस्टमर जो है वो वापस लौट रहा है? मैं आपको आपको पहले तो 2014 और 2017 में, हाँ 14 और 17 में मेजर चेंजेस आए हैं, मुल्क में जो टेररिज्म था, बुरा हाल था, अब तो यहां अमन आना शुरू हो गया, बेहतरी होना शुरू हो गई है, लोग घरों से बाहर ही निकलते थे, स्टैबिंग हो रही थी, बुरा हाल था, बदबख्त इंटरनेशनल मीडिया ने हमें बदनाम कर दिया था, और अल्लाह पाक ने हमें दोबारा सर्वाइव किया। मार्केट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में थी 2014 में, और ये बिज़नेस उस वक्त वो वाहिद साल था जिस वक्त हमने कहा कि इतना थोड़ा सा डाउन है, कहीं इसको स्विच ना कर लें किसी और काम की तरह, ये सोच भी आई उस टाइम पे हालात की वजह से कि कहीं स्विच ना करना पड़ जाए, फिर उसको कहा कि नहीं, बजाय इसको स्विच करें इस पर ज़रा थोड़ा सा और करते हैं, तो हमने इसको रेनोवेट किया, इसके हॉल्स इंक्रीज कर दिए, इसकी सेटिंग चेंज कर दी, इसकी दीवारें चेंज कर दी, फ्लोर सारा चेंज कर दिया, पीछे डिपार्टमेंट नया बना दिया, कुजीन सिर्फ चाइनीज दे रहे थे, बफे स्टार्ट कर दिया, चीज़ें और स्टार्ट कर दी ना, उससे आज हम लोग 2014 तक जिस पोजीशन में थे 3 सालों में उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं पहले से, माशाल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम लोग रिजर्वेशन देते थे, अभी वो टाइम है वी डोंट टेक रिजर्वेशन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, ठीक है, वो होता ही उस, वो होता ही उस टाइम पे है जिस वक्त आपका वेटिंग ज़्यादा हो, इस वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ गई कि आपके पास ट्रेंड बन गया कि चलो चलो ताए पे चलो, बिल्कुल ऐसी है मार्केट में। आप ये बताइए कि फूड जो है, एक तो है कि लोकल फूड है, सब्जी वेजिटेबल्स आप यहाँ से ले लेते होंगे, जितनी आइटम्स हैं ग्रेवी की वो यहाँ ले, कोई ऐसी आइटम भी है कि जो आप इम्पोर्ट करनी पड़ जाती है, इम्पोर्टेड मिल जाती है बाजार से और खालस मिलती है, जब कस्तूरी नहीं मिलती, काफ़ी सारी, जब ज़ाफ़रान नहीं मिलता, तो फिर फूड का हाल तो भाई तो कभी बिल्कुल ऐसी है। अगर हम लोग हर उस चीज़ पर जो लोकल क्या कहते हैं मिल रही है ना, उन पर रिलाई करने लग जाएंगे तो हमारा टेस्ट भी लोकल होगा, क्योंकि हमने टेस्ट देना है, हमने चीज़ देनी है, वो देनी है जो लोकल से हट के हो, जो बाहर चाइनीज आए, अंग्रेज आए, पाकिस्तानी आए, लोकल आए, हर तरह का बंदा आए, हाँ वो आके यहाँ पे लोग आए और उसको इंजॉय करके जाएं, फूड इंजॉय करके जाएं। हमारे शेफ्स जो हैं वो चाइनीज लोगों के ट्रेंड हैं, बीच में चाइनीज हर साल इनकी ट्रेनिंग होती। एक छोटे से वक्फे के साथ आपको दोबारा जहमत देंगे, हमारे साथ रहिएगा।